हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमने प्लानिंग करी है DLF जाने की। एक्चुअली अब ठंड का मौसम आ चुका है और अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ, तो ठंड में एक्चुअली हम तो क्या करते हैं कि अपना सारा घर में अरेंजमेंट कर लेते हैं। घर में सारा रजाई गद्दे वगैरह होता है, घर बंद करके ठंड में सो जाते हैं। बट बाहर जो हमारे जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हो गए, पशु हो गए, ये लोग घूम रहे हैं, उनके लिए कोई अरेंजमेंट होता नहीं है। वो बेचारे या तो कोई सहारा ढूंढ लेंगे आसपास में, किसी किसी के घर के उसमें सो जाएंगे, या फिर कहीं पर भी गर्माई देके गाड़ी के नीचे ऐसी जगह सो जाते, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं और लोग मार मार के भी भगा देते हैं। तो मैंने अभी अपने नेबर्स में ही पास में किसी के यहाँ पर देखा था कि डॉग हाउस टाइप का किसी ने बना रखा है। तो ये मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो रास्ते में सोसाइटी में ये घर के बाहर रखा हुआ था, तो ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी हेल्पफुल है ये स्ट्रीट डॉग्स के लिए। ये जो छोटे मोटे जानवर होते हैं इनके लिए बारिश से भी और ठंड से भी बचने का, तो मैं भी कोशिश करता हूँ ये लाने की। तो देखता हूँ एड्रेस, आई थिंक DLF में कोई सरदार जी है, उन्होंने अपने यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के डेट में कोई किसी को हाई हेलो भी फ्रीली बोलना नहीं चाहता है, मतलब कि इतना सेल्फिश सोसाइटी हो चुकी है, इतने सेल्फिश लोग हो चुके हैं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग काइंड होते हैं कि जिन्हें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अच्छा काम करना है उन्हें। तो ऐसे ही मैंने उसमें देखा, फिर उसके बाद मैंने गो थ्रू किया सोशल मीडिया पे भी, तो इंस्टा पे भी देखा, तो उन्होंने यहाँ पर डॉग के लिए, मतलब वो आई थिंक डॉग नहीं अदर एनिमल्स के लिए भी बहुत ही चीज़ें बनाते हैं, मतलब और फ्री में ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि एटलीस्ट आप लोग अगर खुद से ना कर पाए तो उनके पास जाके ला सकते हैं। तो ये DLF साइड में है, कोई सरदार जी है, तो उन्होंने काफ़ी क्वांटिटी में ये ऑर्डर कराया है और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जिसे भी अपने यहाँ के एनिमल्स के लिए लेके जाना है उनके पास से ले जा सकते हैं। तो स्ट्रीट में घूमते हैं आवारा कुत्ते, इनके लिए बहुत ही सेफ और साउंड, क्योंकि बरसात में बेचारे गीले इधर उधर होते रहते हैं, अपने सिर के ऊपर छत ढूंढने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। तो आज मैं जा रहा हूँ उनके पास ही, तो कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट दो डॉग हाउस तो ले आऊँ। उसके अंदर एक में आई थिंक दो डॉग की कैपेसिटी होती है, तो यहाँ पर 3 से 4 हमारे यहाँ पर सोसाइटी में डॉग्स है, बस वो इधर उधर बेचारे घूमते रहते हैं। तो कुछ है भले लोग जो हेल्प कर देते हैं, लेकिन बेचारे किसी के घर पे जाते हैं तो कोई पानी डाल के भगा देता है, कोई डंडा मार के भगा देते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि उसके लिए एक परमानेंट इलाज कर दे, कहीं साइड में वो डॉग हाउस जो है वो रख देंगे, उसके अंदर गद्दे वगैरह होते हैं, तो वो इजीली उनके लिए विंटर्स में भी सेफ रहेगा। बाकी जाके देखते हैं, आप लोग भी इसी तरीके से स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हो गए और एनिमल्स हो गए, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनके लिए भी हेल्प हो सके, क्योंकि वो तो बेचारे आप लोगों के भरोसे बैठे होते हैं। तो देखते हैं, चलिए अभी जाता हूँ मैं और आप लोगों को आगे की चीज़ें भी दिखाता हूँ, और कहाँ से लाना है कैसे लाना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे सोसाइटी के कुछ छोटे बच्चे हैं और ये इधर उधर ही घूमते रहते हैं, और जो भी चीज़ मेरे पास होता है वो मैं डाल देता हूँ इन्हें, बिस्किट हो गया, रोटी हो गया, दूध हो गया। तो अभी इन्हीं के लिए थोड़ा सा सिर पे छत की व्यवस्था भी करते हैं ठंड में, गद्दे वद्दे का भी, और ठंड से बचने का उपाय भी करते हैं। और ये बेचारी बहुत प्यारी है, और अभी इसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, अब थोड़ा चलने लायक हो गई है। तो ये सारे डॉग्स इतने मासूम होते हैं, इनका सबको मिलके कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए। खोलो एक तो, हटो बेटा, अब बच्चे तुम्हारे लिए ही लेने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए बैठने की व्यवस्था करेंगे अभी, तुम्हारे लिए गद्दे वगैरह लेके आते हैं, ठंड में तुम्हें भी ठंड ना लगे, फिर आराम से उसके ऊपर बैठ के सोना। और ये है चार हमारे छोटे छोटे क्यूट से डॉग्स, तो ठीक इनके है लिए करते हैं कुछ व्यवस्था आज, अभी निकलते हैं। और ये भी देखो बड़े ये उम्मीद वो सो रहा से है। देखते रहते हैं कि कुछ हमारे लिए भी कोई हेल्प करेगा। चलो बाइक की सफाई भी कर लेते हैं, बस निकलने की तैयारी है, जाते हैं अभी यहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर जहाँ हमें जाना है DLF Phase 1। तो अच्छे से साफ सफाई करके उसके बाद वाइफ भी जाएगी, बेटा भी जाएगा, बेटे को ज़्यादा एक्साइटमेंट है, उसे ज़्यादा अपना देखना है। राजा बेटा इस बेटे को भी इनसे ज़्यादा लगाव है, वो हमसे पहले वो रेडी हो जाता है इन चीज़ों के लिए कि डॉग्स को कुछ खिला दो, कुछ पहनो दे दो। अभी शूज़ पहनने के लिए बोल रहा हूँ भाई साहब पे, अभी पहनना भी नहीं आ रहा है, पहन लो बेटा, ये लेसेस वगैरह करना पड़ेगा इसके लिए एडजस्ट। कहाँ
कहाँ जा रहे हो बेटा आज? आज मैं डॉगी का डॉग हाउस लेने जा रहा हूँ। चलो, हैप्पी हो? यस। इनके डॉगी के लिए? हाँ। चलो ठीक है, चलो घड़ी भी पहन लेते हैं, अपना टाइम देखते रहेंगे। और दूसरा मैडम भी रेडी हो चुकी है और पैसे वैसे अपना रख रही है, क्योंकि वहाँ से हमें डॉग हाउस को ऑटो में लाना पड़ेगा, क्योंकि दो लेके आना है, तो तैयारी कर लेते हैं। अब मैडम भी खुश है आज की, चलो कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं। हेलमेट ले लो अपना, हेलमेट, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मैंने भी अपना हेलमेट ले लिया, मैडम भी अपना हेलमेट ले लेती है। चलते हैं फिर DLF फेस वन। भाई साहब ने शूज पहन लिया। हाँ, पहन लिया। लेसेस कौन बांधेगा? लेसेस नहीं आता बांधने। ना, मैं बांध देता हूँ, नहीं आपको सीखना पड़ेगा ना ये, ठीक है? ये देखिए भाई साहब का डांस, खुशी का ठिकाना नहीं है। डॉग हाउस लेने जा रहे हैं तो बहुत खुश है आज। चलिए चल देते हैं अभी हम। ये हमारे सोसाइटी का बैक साइड है, तो शॉर्टकट ले लेते हैं। अब हमारे यहाँ हॉस्पिटल पड़ता है, उसके बैक साइड से निकलेंगे तो थोड़ी जल्दी पहुँच जाइए। ये हमारा सोसाइटी का पार्क है, ये हमारे भाई साहब यहाँ खेलने आते हैं, झूला झूलने आते हैं। तो अभी तो जा ही रहे हमारे साथ, नहीं तो ये यहीं पर खेलता मिलेगा। तो ये हमारे बैक साइड की सोसाइटी है, तो अभी देखते हैं और कितने दूर पड़ेगा यहाँ से। 8-9 किलोमीटर तो दिखा रहा है। ये हमारा आर्टिमस हॉस्पिटल है यहाँ पर, उसका बैक साइड अभी बन रहा है, काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने, तो एक्सटेंड कर रहे हैं ये। और ये हमारा आर्टिमस हॉस्पिटल है। आज इशू ये हो गया कि हम थोड़ा लेट आ गए, तो सारे जितने भी डॉग हाउस थे वो बढ़ गए थे। अभी इन्होंने मंगवाया है, ये दोबारा स्टिकरिंग और गद्दे वगैरह लगा के नेक्स्ट वीक देंगे। तो इन्होंने नेक्स्ट वीक बोला है कि नेक्स्ट वीक आ जाना, तो अभी फ़िलहाल हमने इनसे बोला है कि कुछ हो तो वो दे दो। तो इन्होंने एक छोटा गद्दा दिया है और ये स्ट्रैप्स दिए हैं, उनके गले का पट्टा जो होता है रिफ्लेक्टर के साथ, जो रात में दिखाई दे और इसे गाड़ी वाड़ी से बचते रहिए। तो यही ले आए अभी हम। दिखाना वो, दिखाओ ये वाला कितना। वैसे इसमें नाम भी लिखना है ना। आप क्या है ये? तो गद्दे का कुछ तो काम हुआ, अभी और 2-3 गद्दे और बनाने पड़ेंगे। तो इनको लगा देते हैं। ये इनकी जो मदर है, 4 जो डॉग है उनमें से एक मदर है और 3 उसके बच्चे हैं। तो एक इसकी मोम को लगा देते हैं सबसे पहले, ये पिंक कलर का इसे लगा देते हैं। काली मोम का नाम से मैंने नाम डाल दिया है, कि ब्लैक की ज़्यादा ब्लैक कलर की है और अच्छा भी है, और इसका नाम हमने वैसे काली मोम रख दिया है। और ये है उनकी बिटिया रानी, इसका नाम रखा है हमने काली, क्योंकि हाफ ब्लैक हाफ वाइट है। तो इसका काली मॉम की बेटी का नाम रख दिया काली, और इसे भी मैंने ब्लू कलर का पहना दिया है, वैसे नाम लिख दिया है इस पर। बहुत नोटी है ये, बहुत शैतानी करती है। ये देखिए दोस्तों, कुछ तो फ़ायदा हुआ ही ना, अब आराम से लेटे हुए हैं, कम से कम ठंडा तो नहीं लगेगा नीचे। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं कुछ ना कुछ व्यवस्था। इसीलिए दोस्तों यही है कि किसी ना किसी को आगे तो आना ही पड़ेगा। वहाँ जैसा सरदार जी ने ये अपना इनिशिएट लिया है, उन्होंने मतलब बिना किसी लालच के, बिना किसी के, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपने जेब से तो लगा रहे हैं, उन्हें कुछ मिल थोड़ी ना रहा है। लेकिन ये है कि इतना कुछ करने से, सोशल मीडिया से उनके पास इतनी पब्लिक जा रही है और सब लोग कम से कम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उन्हें, तो एक अच्छा काम ही तो है। ऐसे ही कुछ ना कुछ आप भी अपने तरीके से कर सकते हैं। अपने यहाँ पर जो भी स्ट्रीट डॉग्स हो गए हैं, कैट्स हो गए हैं, जो आप बाहर घूम रहे हैं, उनके लिए ठंड में व्यवस्था कर सकते हैं। गद्दे पुराने हो गए सोसाइटी में, जितने गद्दे हो गए, कपड़े हो गए, कंबल हो गए, वो उनके लिए कहीं पर साइड में रख दीजिए, वो बेचारे ठंड में इधर उधर बैठने की जगह उस पर आके बैठ जाएंगे। तो काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे, और ये डेफिनेटली मैं गारंटी ले सकता हूँ कि एक बार आप करके देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। तो मैं भी बस यही अपील करना चाहूँगा सबसे कि आप लोग भी आगे आके कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करिए, क्योंकि अगर एक बंदा खड़ा होगा ना, उसे देख के बाकी लोग भी आएंगे सामने। होते हैं 100 में से 1-2 जो इन चीज़ों को नहीं करते हैं, लेकिन बाकी 80% से 70% लोग इतने बुरे नहीं होते,
काफ़ी काइंड होते हैं, कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको आगे आना होगा और कुछ ना कुछ हेल्प करना होगा। बाकी मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी हो सकता है मेरी तरफ से मैं करता हूँ, और बाकी आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से स्ट्रीट डॉग्स हो गए, बाहर के एनिमल्स हो गए, उनका जितना हेल्प हो सके उतना कर लीजिए, क्योंकि उनका भी देखने वाला कोई है नहीं, वो भी बेचारे आप लोगों की दया से ही इधर उधर घूमते रहते हैं, तो आप लोगों के भरोसे बैठे रहते हैं, तो जितना हो सके आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा करने की। बाकी थैंक यू सो मच, और ऐसे ही देखते कोशिश करता हूँ मैं अभी अपने अपनी तरफ से डॉग हाउस बनाने का, कुछ भी मटेरियलों का कुछ भी हो, क्योंकि मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट देखा, उन्होंने बहुत अच्छा करा। आप खुद भी अपने घर पे कोई गत्ता होता है, कार्टन्स होते हैं, फ्रिज का कार्टन हो गया, एसी का कार्टन हो गया, आप बाहर से परचेज भी कर सकते हैं, 100-200 रुपीज़ में अच्छा खासा कार्टन मिल जाएगा, उसके अंदर गद्दे डाल दीजिए, पुराना चाहे किसी से बोल के ले लीजिए सोसाइटी में, आधे लोग तो फेंक देते हैं इधर उधर, तो उससे बेटर है आप उसका यूज़ कर लीजिए, कम से कम सर्दियों में तो बचे रहेंगे, इसका हेल्प इतना होगा कि आप जैसा बरसात वरसात भी हो जाता है तो कोई कार्टन के ऊपर पन्नी भी लगा दीजिए, उससे भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो बस यही उम्मीद है मुझे भी कि आप में से कुछ तो लोग आगे आएंगे और कुछ तो हेल्प करेंगे, तो बस यही था, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और ऐसे ही कुछ लेके आता रहूँगा मैं आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच।